हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। सो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ माय इयररिंग्स कलेक्शन पार्ट टू इसलिए क्योंकि मैंने दो तीन महीने पहले और एक वीडियो शेयर करी है जहाँ पे मैंने अपना इयररिंग्स कलेक्शन दिखाया है। सो वहाँ जो भी इयररिंग्स मैंने दिखाए हैं उसको मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। एंड आज का जो है ये अपडेटेड है, तो दिस इज़ पार्ट टू। एंड अगर आप लोग माय इयररिंग्स कलेक्शन पार्ट वन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग देख सकते हो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड यस, वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पार्ट वन में भी मैंने इसी बॉक्स में अपने इयररिंग्स रखे थे। सिंस जो पार्ट वन में इयररिंग्स दिखाए थे वो थोड़े पुराने हो गए थे, तो मैंने उसको अब थोड़ा सा डिस्कार्ड करके फिर पार्ट टू का भी जो है मैंने इसी में रखा है। सो दीज इयररिंग्स मैंने 3 months से कलेक्ट किया है। सो मेरा 3 months का ये है। सो वन बाय वन मैं आप सबको दिखाऊँगी। सो द फर्स्ट इयर रिंग आई हैव इज दिस वन, नीचे गिर गया। ओके, सो द फर्स्ट इयर रिंग इज दिस वन। सो ये फेदर वाली रिंग है, मुझे बहुत पसंद है ये, आप लोग देख सकते हो। कलर बहुत अच्छा है इसका, पर्पल एंड पिंक, और बीड्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे एक दो, एज यू कैन सी। तो ये है फर्स्ट इयर रिंग, एकदम कैजुअल वेयर के लिए परफेक्ट है। ड्रेसेस के साथ, टॉप्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था एंड आई गॉट दिस फॉर ₹70। लोकल मार्केट से भी नहीं, एक लोकल स्टोर से लिया था यहीं पास ही में। अभी कोरोना के टाइम में मार्केट तो नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये फंस गया। ओके, सो दिस इज़ माई फर्स्ट इयर रिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो द सेकेंड आई हैव इज दिस वन, ये हुप्स, बड़े वाले हुप्स। पहले भी मेरे पास ये बड़े वाले हुप्स थे बट उसका ना डिफेक्ट हो गया, तो अभी ये है। इसको भी मैंने 2-3 months पहले ही लिया है बट अभी इसका भी ये हो गया है, बंद ही नहीं होता। बट फिर भी पहन के फोटोज क्लिक करने के लिए ठीक है, पहन के बाहर नहीं जा सकते। सो ये हुप्स है और इसको मैंने ₹40 में लिया था, बहुत ही अफोर्डेबल है। थर्ड मेरे पास है ये स्टड्स, बहुत ही संभाल के रखा है क्योंकि मुझे स्टड्स पहनना पसंद है। यूजुअली जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो बड़े बड़े इयररिंग्स डालती हूँ, बट घर पे जब यूजुअली रहती हूँ रेगुलर लाइफ में तो मैं स्टड्स ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो जब भी मैं स्टड्स खरीद के लाती हूँ, पहनती हूँ, फिर रात को सोते टाइम उतार के रखती हूँ, फिर पता नहीं वो कहाँ चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा मिस होता है, मिसप्लेस होता है। इसीलिए अभी मैंने इसको इस पर डाल के रखे। और भी स्टड्स थे, पता नहीं अभी यही मिला मेरे को। तो ये वाली स्टड्स है, किसी भी ड्रेस के साथ चली जाती है, कैजुअली पहनने के लिए बहुत अच्छा है, कोई झंझट नहीं है। और ये तो मैंने ₹20 में लिया था, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, गुड क्वालिटी के भी आते हैं इसके 100-150 के भी, बट मैंने ये 20 वाला ही लिया है क्योंकि मुझे पता है कि ये खोने वाला है। सो फिर मेरे पास है ये, मैंने मोस्टली अपने इयररिंग्स को इस तरह की पैकेट्स में ही रखा है, कुछ कुछ को ऐसे ही बाहर रखा है क्योंकि मेरे ये वाले जो बाहर के पैक है वो खो गए इसीलिए। सो देन आई हैव दीज ब्यूटीफुल इयररिंग्स, ये वाले आप देख सकते हो, ये मैंने एक मेला से लिया था, बहुत ब्यूटीफुल है। कुर्तीस में, साड़ीज में इजीली चला जाता है, इंडियन वेयर में बहुत अच्छा लगता है ये। और मैंने इसको पहना भी एक ही बार है क्योंकि अभी पहनने के लिए कहीं जा ही नहीं रही हूँ, तो घर पे तो मैं ऐसे पहना नहीं है, मैंने इसको बस एक ही बार पहना है, बट बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। एंड दिस आई गॉट फॉर ₹80, जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा मुझे, मैंने मेला से लिया था एंड मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था। सो ये है मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इयररिंग।
ओके, उसके बाद मेरे पास ये है, ये ट्रायंगल शेप का है, रोज गोल्ड इसका कलर है। बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल थे ये, बट मैंने रोज गोल्ड लिया। आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा है ये भी। और ये भी किसी भी ड्रेस के साथ चला जाता है, ड्रेसेस के साथ, जीन्स टॉप्स के साथ, किसी भी ड्रेस के साथ चला जाता है, तो बहुत अच्छा है। एंड ये भी मैंने लिया था, पता नहीं कितने 30-40 रुपीस का ही लिया था मैंने, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। एंड इसको भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। देन आई हैव दिस वन, इसको मैंने अभी तक डाला नहीं है, इयर रिंग कहीं पे पहन के गई नहीं हूँ। आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। गाउन पे बहुत अच्छा लगता है अगर आप गाउन पे पहनेंगे तो, और ड्रेसेस के साथ भी अच्छी लगती है। एंड इसके यहाँ पे स्टोन्स लगे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, और रात को बहुत अच्छा लगता है ये। अगर हम लोग रात को इस इयर रिंग को पहने तो बहुत अच्छा लगता है। सो इसको मैंने पहना नहीं है अभी तक, और इसको भी मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, मेला से ही लिया था। इसका प्राइस मैं भूल गई, बट ये 100 रुपीस का था शायद, और 100 के नीचे ही था, 180 इसी तरह से था, 100 के ऊपर नहीं था। फिर मेरे पास है ये क्यूट से इयर रिंग, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्यूट है। मुझे ऐसे छोटे छोटे इयर रिंग्स पसंद है, क्योंकि अभी इनको पहनने में ना कान में दर्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ऐसा लगता भी नहीं है कि हमने कुछ पहना है। तो मुझे ये वाले छोटे छोटे इयर रिंग्स बहुत पसंद है, तो ये वाले मैंने लिए थे। और ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, मार्केट से नहीं शॉप से लिया था। तो इसका भी मुझे पड़ा था 20-30 रुपीज़ ही पड़ा था, ये एक्सपेंसिव नहीं है। फिर मेरे पास है ये वाली झुमकी जो मैंने मीशो से ली थी, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है ये, मुझे बहुत पसंद है। बट इसको भी यही है कि मैंने इसको खरीदने के बाद एक बार भी नहीं पहना है, कभी वीडियो में पहन लिया होगा, वीडियो बनाते टाइम नहीं, तो बाहर तो मैं गई ही नहीं हूँ, तो पहना नहीं है इसको भी, और बहुत संभाल के रखा है, कभी ना कभी तो इसको पहनने का दिन आएगा। सो 3 लेयर्स है इसके, 3 झुमकियाँ लगी हुई है जो बहुत ही अच्छी है, और इसकी छन 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 आवाज़ भी करती है जो बहुत अच्छी लगती है। सो ये थी मेरी, पता नहीं काउंट भूल गई मैं। और ये वाला बॉक्स जो है इसका ख़त्म हो गया, अब दूसरा बॉक्स यहाँ पे रखा है मैंने। सो फ्रेंड्स, दूसरे बॉक्स में सबसे पहले ये वाली इयर रिंग थी, ये सिल्वर ऑक्सीडाइज इयर रिंग है, और मेरा एक्चुअली क्लिप वहाँ से दूसरा क्लिप डिलीट हो गया था, तो मैं फिर से क्लिप बना रही हूँ। सो मैं इसीलिए इस तरह से दिखा रही हूँ। सो ये वाली इयर रिंग है जो 2 लेयर्स में है ये, और बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है, डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके नीचे भी घुंघरू लगे हुए हैं, आई गेस इसको घुंघरू ही बोलते हैं। और ये इसा वाला डिज़ाइन है, तो कुर्ती के साथ, लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ, किसी भी ट्रेडिशनल वेयर के साथ बहुत अच्छे से चला जाएगा। और आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप लोग लेना चाहे तो ये मीशो में भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन में भी, फ्लिपकार्ट में भी, सभी ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल है, और रीज़नेबल प्राइस पे भी है। तो ये था मेरा एक इयर रिंग का सेट जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेरे पास है ये वाली इयर रिंग, ये भी मैंने मीशो से ही लिया था, और उसी तरह का डिज़ाइन है, बट नीचे थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग देख सकते हो, जो मुझे ये इतना पसंद नहीं है नीचे का डिज़ाइन, बट ठीक है, मैं इसको कैसे करके पहन तो पहनना ही है, और बहुत अच्छा है ऊपर का अगर आप देखें तो, और ट्रेडिशनल वेयर में बहुत अच्छे से जाएगा। यहाँ पे कैमरा अच्छे से नहीं दिखा रहा था, तो मैंने जगह चेंज कर दी है, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कैच कर रहा है इसका डिज़ाइन,
और घुंघरू लगे हुए हैं नीचे और ऊपर की तरफ भी लगे हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा, मतलब अगर आप पहन के चलते हो तो वो आवाज़ें आती है छन 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 वाली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो सब अच्छा ही लगता है, क्योंकि अच्छा लगता है तभी मैं लेती हूँ। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। सो ये वाली थी मेरी लास्ट ईयरिंग। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा इयर रिंग कलेक्शन। अगर आप लोगों को मेरा इयर रिंग कलेक्शन पार्ट वन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हो। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, बस आप लोगों को पता ही है क्या करना है। सो आप लोगों को करना है लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ की अपडेट्स मिले और आप लोग सबसे जल्दी मेरी वीडियोज़ देख पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।